हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयंत कुमार। दोस्तों, आज आपको सीलिंग फैन का वायरिंग जो है किस प्रकार चेंज करते हैं दोस्तों, वो आज मैं बताने वाला हूं। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि ये तीन नॉट था इसमें लगा हुआ है, वो मैंने पहले ही खोल दिया था। अब दोस्तों हम इसका जो है ये कैपेसिटर वाला जो कनेक्टर होता है दोस्तों, कैपेसिटर होल्डर, इसे खोलते हैं और इसका कनेक्शन भी खोल लेते हैं। और कनेक्शन दोस्तों खोलने से पहले जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेक कर लेना होता है कि ये कनेक्शन किस प्रकार का था, कैसा था, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर था दोस्तों, ये दोनों में कनेक्ट था। ये अपना जो है न्यूट्रल वायर हो गया दोस्तों, कॉमन वायर। और ये वाला कैपेसिटर वायर और रनिंग कॉइल का वायर, ठीक है दोस्तों। कुछ इसी तरह से जो है हमें सेटिंग करना है वायरिंग चेंज करने के बाद। तो चलिए अब इसे भी हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी कैप लगा हुआ है दोस्तों, इस कैप को भी हटा देते हैं और इस कनेक्शन लूप्स को जो है दोस्तों वायर को कुछ इस तरीके से सेंटर में कर लेते हैं और एक पेचकस की सहायता से जो है इसे खोलने का कोशिश करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये धीरे धीरे खुल रहा है कुछ इस तरीके से। इसमें हमें कभी कभी डबल पेचकस की भी ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हमें डबल पेचकस भी रखना होगा। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का पेचकस रहता तो और अच्छा रहता। देख सकते हैं ये खुल गया है चुका है अपना। देख सकते हैं ये कि पूरी तरह से जाम था दोस्तों। ये तो ये ऊपर वाला वायरिंग जो है कुछ ठीक भी है, लेकिन ये नीचे वाला जो वायरिंग था दोस्तों, ये नीचे वाला वायरिंग जो है देख सकते हैं कि थोड़ा सा जाम चल रहा है पूरी तरह। तो इसका दोस्तों हम करते क्या हैं कि सबसे पहले जो है ये वाला वायरिंग जो है दोस्तों पुलर की सहायता से हमें खोलना होता है। ये पुलर हुआ अपना, हम देख सकते हैं ये छोटा वायरिंग के लिए है, ये बड़ा के लिए, ये 6201, ये 6202, कुछ इस तरीके से ये सेट करना होता है, देख सकते हैं। और इसके सेंटर में जो है दोस्तों ये पत्ती का इस्तेमाल करना होता है, हमें यूज़ करना होता है इस तरीके से, पत्ती डाल के कुछ इस तरीके से ठोक दें और इसके बाद इसे हम घुमाते हैं, देख सकते हैं बहुत ही आराम से खुल रहा है ये। कोई कोई वायरिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइट होता है, हैवी टाइट होता है, जिसे हमें यहाँ पे प्लास से या और दूसरा जुगाड़ से दोस्तों हमें घुमाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है, सीज हो जाता है जब वायरिंग उस कंडीशन में। देख सकते हैं पूरा ये डैमेज हो चुका है। और इसके बदले में दोस्तों हम लगाने वाले हैं यहाँ पे 6201, देख सकते हैं। प्रायः जो है दोस्तों नॉर्मल आजकल के पंखे में 6201 जो है नीचे में लगता है और 6202 वो ऊपर में लगता है। वायरिंग चेंज करना दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, देख सकते हैं ये खुल चुका है। और इसे सिंपल तरीका से इसे जो है हमें यहाँ पे डाल के जो है हैमर की सहायता से अब इसे हम ठोकेंगे, कुछ इस तरीके से ठोकना है, देख सकते हैं बहुत ही आराम से चल गया। तो दोस्तों जो आपको ब्रांडेड पंखा होता है उसमें जो है वायरिंग चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, और यही यदि आप लोकल फैन होता दोस्तों तो लोकल फैन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होता है वायरिंग चेंज करने में, क्योंकि लोकल फैन का सारा चीज़ लोकल होता है, उसका वायरिंग वाला पॉइंट, हॉब जो है वो भी लोकल ही होता है,
इसलिए दोस्तों अब हम इसका जो है स्टेटर अपना पहले निकालते हैं। कुछ इस तरीके से ठोक के ध्यान रहे कि ये कनेक्शन वायर जो है अपना नहीं कटना नहीं चाहिए। इस तरीके से हल्का सा ठोक के उसके बाद जो है पुनः जो है हम इसे सेंटर में कर देंगे, बीच में होल में, और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि अपना कॉयल जो है बिल्कुल ओके है, कहीं कोई शिकायत नहीं है कॉयल में। बहुत ही ज़्यादा हैवी फैन है दोस्तों ये आपका तूफान कंपनी का फैन है। अब देख सकते हैं पहले जो है किस तरह का स्टेटर आता था, बहुत ही हैवी। चलिए इसे हम स्टेटर को साइड में रख देते हैं। इसका वायरिंग देखिए, आवाज़ सुन सकते हैं आप। दोस्तों मेरे अंदाज से ये फ़ैन जो है तकरीबन 15 बरस पुराना होना चाहिए, और 15 बरस पुराना जो है, अब दोस्तों ये 15 बरस पुराना है इसीलिए जो है ये इसमें सर्विस नहीं होने के कारण जो ये वायरिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। यदि बार बार सर्विस होते रहता दोस्तों तो ये है इस तरह का परेशानी नहीं करता, नौबत नहीं आता। अब जो है दोस्तों इसका हम ये वाला साइड भी चेंज कर लेते हैं, चूँकि ये बड़ा वाला वायरिंग है 6202, इस तरीके से जो है हमें लगा लेना है। और इसे भी वही प्रोसेस है, इसके बीच सेंटर में जो है हमें पत्ती को डालना है और हल्का सा प्रेस करना है। और इसे जो है पुनः हमें इसी तरह से घुमाना है दोस्तों। ये कुछ हल्का टाइट लग रहा है इसलिए हमें दूसरा जोगाड़ का ज़रूरत होगा इसमें। कुछ इस तरीके से ये जो रेंच है दोस्तों उसकी सहायता से हमें अब काम लेना होगा। देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड है। इस तरीके से घुमाते जाना है और ये बैरिंग को जो है ऊपर की तरफ खींच लेगा। देख सकते हैं ये निकल चुका है। ये देख सकते हैं ये वायरिंग पुराना वाला निकल चुका है अपना, अब हम नया वाला डालेंगे इसमें। ये रहा अपना नया वाला दोस्तों। सिंपल तरीका है डालने का। कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं आप, हल्का हल्की चोट देना है चारों तरफ। और ये रिंग भी दोबारा से हम इसे फिट कर देते हैं। इनको जो है दोस्तों अच्छी तरीके से बैठाना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है बैरिंग डैमेज होने के कारण आपको इसका जो है पॉइंट भी कुछ घिस चुका है नीचे की तरफ, जो है ये लंबा हो गया पॉइंट। तो इसमें दोस्तों हम एक करते क्या कि एक वाशर के टाइप में जो है एक वायर को, मोटा वाला कॉपर वायर को जो है वाशर के रूप में जो है हम यहाँ पर डालने वाले हैं दोस्तों, चूँकि हो सकता है कि ये फिर दोबारा से जो है ये प्रॉब्लम करेगा।
और वाशर यदि है दोस्तों इस साइज़ का तो वाशर भी आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे जो है वायर, एक मोटा वाला वायर जो है ले लिए हैं और इसे कुछ इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे वाशर के रूप में दोस्तों हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका रिंग बना के जो है डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि जो अपना वायरिंग है दोस्तों ये इससे ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए इस तरीके से। दो राउंड में दोस्तों हम इसे कॉइल के टाइप में जो है बना के यहाँ पर डालने वाले हैं इस तरीके से। यदि आपके पास वाशर है दोस्तों इस प्रकार का तो वाशर भी लगा सकते हैं आप, गोल टाइप में वाशर आता है। लेकिन वाशर नहीं होने के कारण दोस्तों हम ये कर रहे हैं, देख सकते हैं इस तरीके से इसे जो है प्लायर की सहायता से हम इसे इस तरीके से इसके सेट कर देंगे। ये कुछ हद तक दोस्तों वाशर के रूप में जो है ये काम करेगा। चलिए दोस्तों अब इसका हम फिटिंग करते हैं। फिट करने के लिए जिस प्रकार से हमने खोला था दोस्तों उस प्रकार से बहुत सिंपल फिटिंग है इसका। इस तरीके से सबसे पहले जो है हम ये वाला डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला इस तरह से था डाला हुआ। अब इसका नीचे वाला जो है बॉडी स्प्रिंग, उसके बाद ये वाला इस टाइप में दोस्तों वाशर आता है। ये वाला जो है आगे की तरफ ऊपर में भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ये मेरे पास नहीं था इसीलिए हम कॉइल का ही वायर का ही जो है मोटा वाला वायर का बना के डाल दिए। इस तरीके से हमें फिट कर देना इसे, देख सकते हैं बहुत सिंपल है। नीचे एक तरफ दबा देना है और जो इसका नॉट वाला जो होल है दोस्तों ये इसका सेंटर में कर लेना है, इसे घुमा घुमा के। कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सेंटर पे आ चुका है, देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है दोस्तों। अब इसका हम नॉट लगा देते हैं जो कि मैंने खोल कर रखा था पहले। ये वाला नॉट था दोस्तों, तीन नॉट, अब इसे हम लगा देते हैं। ये वाला थोड़ा सा सेंटर आउट है, इसे थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। पेचकस की सहायता से दोस्तों हम सारे नोट्स को जो है दोस्तों बराबर से हम टाइट करेंगे। सारे नोट्स को जो है बराबर से टाइट करेंगे, ये नहीं कि अब एक नट को पूरा फुल टाइट कर दिए एक नट अपना लूज है, नहीं, बारी बारी से जो है घुमाते हुए तीनों को बराबर से टाइट करने हैं और तीनों को बराबर टाइट करने हैं इस तरीके से। अब देखिए अब अपना जो है लगभग नॉट फुल टाइट अप कर देते हैं, साढ़े नॉट्स को तीनों को अपना फुल टाइट हो चुका है। दो तीसरा इसको भी फुल टाइट कर दिया, देख सकते हैं इसे घुमा के अब बिल्कुल अच्छी तरीके से घूम रहा है। अब दोस्तों इसका हम कनेक्शन करेंगे, जिस प्रकार से हमने खोला था उसी प्रकार से हमें कनेक्शन करना है, क्योंकि खोलने से पहले जो है अपना कनेक्शन जिस प्रकार था वो हमें
गौर करके ही खोलना है, क्योंकि प्रत्येक पंखा कंपनी का जो है अपना अपना सिद्धांत होता है, इसमें कलर कोड कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है दोस्तों। कोड के हिसाब से, कलर के हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से जो ये वाला वायर जो था अपना न्यूट्रल वायर था दोस्तों, तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं ये फैन कनेक्टर में इस तरीके से। और ये अपना कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम कैपेसिटर प्लस जो अपना इलेक्ट्रिक सिटी वायर वाला जो वायर था दोस्तों, ये वाला था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है मार्किंग किया था, ये वाला मार्किंग किया था यहाँ पे। तो इस तरह से इसे हम दूसरे इलेक्ट्रिसिटी के टर्मिनल पे दोस्तों हम कनेक्ट करना है हमको। और यहाँ का नट दोस्तों मिसिंग है, ये रहा, तो इसे भी हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ऊपर की तरफ, ऊपर के टर्मिनल पे, क्योंकि इसी ऊपर नीचे टर्मिनल पे जो है दोस्तों हमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर कनेक्ट करना है दूसरी तरफ से। देख सकते हैं इस तरफ एक न्यूट्रल, इस तरफ फेस, या इस तरफ न्यूट्रल, इस तरफ फेस देना है। अब दोस्तों बच गया एक कैपेसिटर वाला और एक स्टार्टिंग वायर, स्टार्टिंग कनेक्शन वाला। ये दोस्तों बिल्कुल नकेट था, अब इसे हम क्या करेंगे, एक तीन नंबर स्लिपिंग एक डाल देते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बदले में टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप भी कर सकते हैं इसको। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें तीन नंबर से जो है इसे कवर कर देना है, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका का दोस्तों शॉक का कोई खतरा नहीं रहेगा। इस तरह से कुछ ये टाइट हो गया है, हम आगे की तरफ सरका देते हैं। लीजिए अपना जो है सरक चुका है दोस्तों। अब जो है हमने सिर्फ टेस्टिंग करना बाकी है। उससे पहले दोस्तों ये वाला पाइप जो था यहाँ पे लगाना बाकी था, इसलिए हम कुछ लगा देते हैं। इसे लगा के दोस्तों अब इसे जो है ये वाला हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम चेकिंग कर रहे हैं इसको, हम सीरीज वाला कनेक्शन बोर्ड पे जो है इसको कनेक्ट किए हैं दोस्तों अभी। तो चलिए चेक करते हैं, स्विच ऑन कीजिए। अब देख सकते हैं कि ये अपना जो है बिल्कुल साउंडलेस चल रहा है दोस्तों। तो इसी तरह से जो है आप अपने पंखा का जो है वायरिंग चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच ऑफ कीजिए।